नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। खबर है चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील से, जहां पर जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल के नेतृत्व में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की कार्यकर्ताओं ने महंगाई, अन्ना पशु व धान क्रय केंद्रों पर व साधन सहकारी समितियों में PCF केंद्रों पर DAP उर्वरक उपलब्ध न होने व महंगाई को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इन सभी मांगों को लेकर मऊ तहसील उप जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला को दिए गए ज्ञापन, जिसमें उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने के लिए दिया आश्वासन। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज मऊ तहसील परिसर पर आप समीक्षा बैठक किस बेस पर थी? देखिए, आज पूरे हमारे जनपद के अंदर 4 तहसीलों में तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में हर जगह बैठकें हो रही हैं और प्रत्येक माह ये बैठकें होती हैं। मुख्य रूप से आज हमारा जो किसान परेशान चल रहा है पूरे जनपद के अंदर, तो क्या पूरे प्रदेश के अंदर, अन्ना प्रथा एक ऐसी समस्या है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भरण पोषण के बजट के साथ साथ गौशालाओं का भी निर्माण कराया, लेकिन जिला प्रशासन के सही नेतृत्व न होने के कारण ग्राम प्रधान और सचिव मनमानी करते हैं, जिससे जानवरों के लिस्ट तो भेजी जा चुकी है, संख्या भेजी जा चुकी है, लेकिन प्रबंधन उन गौशालाओं में नहीं, ना तो भरण पोषण के जानवरों को खाना दाना दिया जा रहा और ना तो जानवर संरक्षित किए जा रहे हैं। जहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम गाय भी बचाएंगे और किसान की फसल भी बचाएंगे, आज के समय में ना तो हमारी गाय बच रही ना हमारी फसल बच रही है। एक मुद्दा ये है, राजस्व से संबंधित हमारा सबसे ज़्यादा किसान परेशान रहता है और आसत सा समय नहीं हो पाते हैं, और आसत में वो धांधली होती है तो संबंधित लेखपाल हमारे किसान को परेशान करते रहते हैं। साथ साथ यदि नाम का शुद्धिकरण है तो बड़े इसका एक सहज प्रक्रिया लेनी चाहिए उप जिलाधिकारी महोदय के, लेकिन हमारा किसान सालों परेशान रहता है, इसके बाद भी वो अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता। तो ये जो हमारी तहसील स्तर की बैठकें होती हैं, इसका मुख्य आशय ये है कि हमारे जो थोड़ी समस्याएँ, उन समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारियों के माध्यम से कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहा करती है, और यदि संबंधित अधिकारी हमारी समस्याओं की बात को अनदेखी करता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक भी उसकी समस्याओं को संज्ञान में लाने का प्रयास करते हैं।